नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में आप सभी लोगों का जो है स्वागत है। PCS 2022 की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है। इसके संदर्भ में 2-3 अभ्यर्थियों के द्वारा एक सवाल पूछा गया है, उसे हल करने से पूर्व हम लोग थोड़ा सा परीक्षा प्रश्न पत्र के स्तर को जो है देखने का प्रयास करते हैं और ये विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं कि किस हद तक जो है मेरिट और कट ऑफ इत्यादि जा सकता है। कट ऑफ के बारे में एग्जैक्ट जो है अनुमान अभी लगाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी पेपर तत्काल संपन्न हुए हैं। कई प्रश्नों के विश्लेषण, उसके आंसर की और लोक सेवा आयोग के द्वारा उसका क्या आंसर की माना जाता है, इस बात पर भी जो निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न आए हुए हैं उनको अगर देखा जाए तो अन्य वर्षों की अपेक्षा से पेपर किसी भी दशा में सरल नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अगर थोड़े से भी जो है प्रश्न कम हुए हैं तो इस बात को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य बनाइए, अपने प्रश्न पत्र को जो है सही तरीके से आंसर से मिलान कीजिए और लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए जाने वाले आंसर की का जो है इंतजार कीजिए। पेपर में हाँ कुछ हो सकते हैं कि कुछ सवाल जो है इसमें सिंपल जरूर पूछे गए हैं, तो केवल उन्हीं सवालों के आधार पर ही जो है आप कट ऑफ का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बाकी सभी सवालों को देखने पर ऐसा लगता है कि पेपर सामान्य से थोड़ा सा जो है टफ था। इसलिए यदि पेपर में जो है अन्य वर्षों की अपेक्षा कुछ सवाल कम हो रहे हैं या उसके आसपास भी बन रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि आप मुख्य परीक्षा तक जो है पहुंचेंगे और वहां पे आप अपने जो है प्रश्न पत्र की जो है तैयारी करेंगे। तो आइए हम लोग उस सवाल को भी देख लेते हैं जो कई अभ्यर्थियों के द्वारा जो पूछे गए हैं, और चूंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है जिस तरीके से डिजाइन वो बनाया गया है तो थोड़ा सा हम लोग उस सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या जो है 65 को जो है अगर देखा जाए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 65 को, कि भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून जो है कब पारित किया गया था। यहाँ पे जो है एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज शब्द लिख करके जो है इस प्रश्न को थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। जैसे पहले जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किए गए थे, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है पंचायतों से, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह नगर पंचायतों से या नगर पालिकाओं से जो है संबंधित है और नगर पालिका के संवैधानिक दर्जा देता है। तो चूंकि यहाँ पर ये 93वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1993 ईस्वी में पारित किया गया है, इसलिए कई लोगों के द्वारा ये गलती की गई है। लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर चूंकि एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया करके पूछा गया है इसलिए 1996 ईस्वी में होगा। री एजुकेशन अकेडमी पर जब संविधान एवं राजव्यवस्था पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पर इसको भी जो है दिखाया गया था, बताया गया था। तो इसलिए जो है आप लोगों का वहाँ पर जो है तैयारी हो गई, जो भी लोग उन क्लासेस को देखे होंगे उनकी ये तैयारी हो गई थी। बशर्ते ये है कि इस आंसर को अगर हम फैक्ट में जाकर के चेक करें तो आगे हम लोग जो है देखेंगे कि इस तरीके से द प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून एक्ट जो है 1996 में जो है ये जो है बनता है, 1996 में जो है ये पारित होता है, जिसे पेसा के नाम से भी जाना गया है। और एजुकेशन एकेडमी पर जब हम क्लास जो है पढ़ा रहे थे तो उस समय हम लोगों ने इसके बारे में पूरा डिटेल्ड में अध्ययन किया था। तो निश्चित तौर पर इस सवाल का उत्तर जो है वो विकल्प संख्या, इसका विकल्प संख्या जो है डी, यहाँ पर जो है एग्जैक्ट इसका जो है आंसर जो है होगा। तो इसी तरीके से अन्य सवालों को भी जो है हम लोग समय समय पर जो देखते रहेंगे और इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो विकल्प संख्या डी होगा। धन्यवाद।